हे गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। तो मैं इतनी स्पीड से इसलिए बोल रही हूँ, इतनी स्पीड से इसलिए बोल रही हूँ, लोग यहाँ पे कह रहे हैं आ गई तू, फोन उठा के काम नहीं करने दे रही। इन्होंने अपने कमरे को फैला रखा है। मैं तो ना दादी की कबट सेट करने आई थी। ओहो, सीरियसली इन्होंने ना देखो अपने आप ठूस लिया सामान। दादी को यूं है कि पत्नी बहू कुछ मेरे खजाने ना देख ले ना, मैं की कटना अपे अपने आप तो डाल दिया अंदर, अब तो काट ले। चादरे नहीं थी फ्रेंड, अब मैं क्या बोलूं, बिस्तर रहने दो। अब आप लोग खुद ही सोचो इसमें बिस्तरे होंगे, बिस्तर की चादरा भाई पता नहीं। मैं तो आई थी, मैंने कहा मैं फटाफट पूछ दिया दादी ने पत्नी क्या रखा होगा, शायद सोना चांदी सब यही छुपा के रखा होगा ना। चुप रहो कोई सुन के और बढ़ जाएगा। दादी क्या कह रही है, चुप रहे कोई सुन के और बढ़ जाएगा। चोरी चोरी ना हो जाए, चोरी हो जाएगा। अच्छा एक बार कवर खोल के तो दिखाना जरा, ये सारे में दादी, ये पूरे उसमें दादी का सामान है, भर भर के भर रखा है। मतलब पनियों में दे ठू ठा ठू। अब पत्नी दादी कैसे ढूंढती है सामान अपना, कर दो बंद कर दो, अब तो पक्का आ जाएंगे देख के। चुप कर चोर ना जाए। सच में दादी कह रही चुप कर चोर ना आ जाए। और आधी छोड़ना चांदी दब रखा, दब रखा और क्या। पता है क्या हुआ, दादी का ना ये बिस्तरा है, पत्नी दादी के अलग अलग बिस्तरे हैं। एक ये बिस्तरा है, ये वाला बिस्तरा है दादी का, एक ये बिस्तरा है इसमें गद्दा है, एक ये है। अब राम जाने दादी कैसे कैसे क्या करती है। मैं ना पहले ट्राइपॉड लाती हूँ, मैं फिर करती हूँ, मेरा हाथ दर्द हो जाता है जैसे मैं हमेशा की तरह। तो मैं तो ना इनके पास आई थी, मैंने कहा चल मैं थोड़ी सी हेल्प करा दूं दादी की, लेकिन दादी ने ना मेरे आने से पहले ठा 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 सारा रख दिया। और फिर दादी कह रही है कि ऐसे शक तो जाता ही है ना दादी, ऐसे क्या रखा हुआ है। मेरी बेटी रो रही है उधर, क्योंकि उसके पापा उसको जबरदस्ती वो खिला रहे हैं, खाती नहीं है ना वो, मेरे को देख के और चिपकती है। तो मैं यहाँ आ गई, मैंने कहा चल मैं दादी के पास आ जाऊँ, दादी से बातें करूँ, दादी के कपड़े तय मार के रख दूँ। लेकिन फ्रेंड हुआ क्या, मेरे आने से पहले कपड़े तो सिमटे गए थे, लोग इतने व्यस्त हो रखे हैं, मैं बोल बोल के अपना मुंह थका रही हूँ, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है कि कोई आया। देखो कोई किसी के कमरे में आया तो बंदे को बैठना चाहिए, चाय पानी पूछना चाहिए, चाय पानी और क्या पूछना चाहिए। नहीं होता कि भाई कोई आया, हाँ भाई बैठो, कुछ खाने खुने का हो तो खिलाना चाहिए। खाने का दादी तो आई नहीं रही है, रुको मैं पहले दादी थी, मैंने कहा दादी को थोड़ा सा इधर कर लूं। तो मैं देखो मैं इनके पास आई हूँ, उनसे बातें करने आई हूँ, तो इनको इनका फर्ज होना चाहिए ना कि कुछ पूछे मेरे से। तुम बाहर बोला के आई है, हाँ? तो कुछ चाय पानी तो पूछना फर्ज तो बनता ही है। पानी चाय ये बांग्लादेश के आई हो, बांग्लादेश वाली बात नहीं। और फ्रेंड ये देखो 90 साल की दादी बिना स्वेटर के हैं, और बहू ऐसे ऐसे करके भैया हमें तो बहुत ठंड लगती है, मतलब सॉक्स भी डाली, सॉक्स भी डाली, यह पहनते ही नहीं है, ये नींद ही नहीं आती कहती। ये देखो ये मैं हमेशा कहती हूँ ये स्टॉल चे, ये करते भी नहीं है, बदलते भी नहीं है, बस दिन में अपना अपन ठंड के रख लेंगे ऐसे और रात को ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। मैं तो बोल बोल का मुंह थक गया। तो फ्रेंड एक्चुअली हुआ ऐसे था ना, तो इनका ना सामान गुम हो गया था, तो इनके पोते ने ना सारा मतलब ऐसे ऐसे करके दोनों दादी पोते ने मिलकर सारा सामान बाहर निकाल दिया था। मैं रोटी बना रही थी तो ना उन्होंने मुझे बोला कि ना तू ना दादी का सामान सेट कर दियो, मैंने कहा मैं रोटी बना के आऊंगी मैं तब सेट कर दूंगी, ऐसे बोला था ना मैंने। मैं कहा कोई बात नहीं तब तक दादी खाना खा ले, तो मैंने दादी को खाना दिया। आगे पीछे दादी कम से कम 15-20 मिनट लगाती है खाना खाने में, आप तो दादी ने ऐसे खा दिया मेरे को पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला सच में, एक मिनट में खाया। मैं अभी तक रोटी ही बनाई थी, इन्होंने फटाफट खाया फ्रेंड, और इतना यहाँ पूरा ये बेड ये पूरा भर रखा था एकदम कपड़ों से, इतना कपड़े झूठ बोल रहे। मैं अभी पोते को सबको झूठ झूठ बोलती है, कोई झूठ नहीं बोले, मैं अभी पोते को रहूं पूरा ये बैठ रहा देखने आई थी, कहां बैठ मेरा बैठ ये पूरा भरा पड़ा था।
और जैसे ही मैं नहीं, मेरा बैठा ही नहीं, झूठ बोलती गई। अच्छा जो दीवान, हाँ जो दीवान, अब देखे जो दीवान। अरे कहने का मेरा भाव है कि दीवान यहाँ पूरा भरा पड़ा था, बस आपका बोलना चुप कराना जानती है, बस और कुछ नहीं, भरा पड़ा था। मैंने कहा मैं फटाफट से किचन करके आती हूँ। जैसे ही मैं आई फ्रेंड्स, क्या देखती हूँ पता है आपको? देखती हूँ कि यहाँ सारा सामान फटाफट फटाफट रख दिया। क्या मतलब इतनी फुर्ती से इन्होंने सामान रख दिया, जैसे की मतलब 20 साल की लड़की रख देती है फटाफट के। और वैसे ये ऐसे 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 चलती है दादी हमारी, लिफाफे में लिफाफे डालने तो दादी, बस ये तो दादी की सफाई है। इससे ये पता चलता है कि ये मुझे कुछ दिखाना नहीं चाह रहे थे। देख रहे क्या लालची हूँ है दादी, सोचती बहू को लालच है, मुझे नहीं लालच रूलच। क्या पता सूट निकाल के ले जाऊंगा सूट। मैंने कहा क्या सोना, मैंने इतना बोल दिया जैसे भी की, मैंने कहा क्या बात, सोना चाहते छुपा के रखा था। फिर ऊपर से बोला आराम से, देखो आराम से बोल, चोर आ जाएंगे। देखो इसलिए चुप करा रहे हैं मेरे को, चोरों का डर हो रहा है इनको, होगा तभी तो आएंगे। पैसा ना पल्ले तो मेला मेला क्या कहते, पैसा ना पल्ले मेला मेला कर दी, मेला मेला कर दी। मैं सच्ची बोल रही हूँ, इतने दुफान बोलती है, इतने दुफान नहीं बोलती। और क्या, जो मेरे मन में होता है मैं तो वही बोलती हूँ। मैं आई, इन्होंने जैसे ऐसे रख दिया इन्होंने, भैया मैं तो आई हूँ, और इनके पोते ने बोला था, अब मैं पोते को जाके मैं बोल सकती हूँ कि आपकी दादी ने मेरे जाने से पहले ऐसे 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 रखा सामान। क्या ऐसे 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 ही रखा जी। हाँ क्या रखना था, लिफाफे जाके रख दिए बस। और फ्रेंड्स आज मेरा गर्म पानी में हाथ भी सड़ गया, लोगों की ना नजर लग रही है, लोगों को ना बड़े बड़ी सांस से आ रही है। सीरियसली एकदम तो गप से आई है ये, यहाँ पे सेक लग गया, गरम कर दी होगी। हाँ नहीं, वो बर्तन धो रही थी थोड़ा सा, वो थोड़ी से एक्चुअली रोटी फूटी तो रोटी का तो सेक लगा लगा, जलन मार रहा, फिर पानी में धोए ना बर्तन जैसे ये गरम में तो गरम में नहीं धोगी कहते गरम में। अब ये रात इन्हें कैसा रो रही थी, हाँ ठंडे यार ठंडे यार, आदत नहीं है ना, आदत धीरे धीरे डलेगी तो मतलब धीरे धीरे डलेगी तो ठंडा पानी ठंडा गर्म में हाथ ऐसे चलिए ना अच्छा है वो। मैं अब छोड़ो, हैबिट धीरे धीरे बनेगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ ना, जब हाथ जला मैंने कहा लोगों को बड़ी बड़ी सांस आ रही होगी, ये कच्चा मतलब बड़ा मजा आता है फ्रेंड, मुझे तो सच्ची बताऊं तो मेरे को आ गया मजे। अच्छा मेरा हाथ जल के आपको मजे आ गए और क्या, गरम पानी रात कह रहे थी, हाँ जी जल जी जल। अच्छा मेरा हाथ जैसे जला है ये आपको मजे आ गए हैं, ठीक कोई बात नहीं, सुन लो आप सभी सभी फिर कहते हैं कि ऐसे दादी तो बहुत अच्छी है, दादी ऐसी है, दादी वैसी है, देखो ये दादी ऐसे बोल रही है। और चोट तो मेरे को लगती है, चोट में तो ठेका लगेगा, सुबह उठते कभी कहीं हाथ लग जाता है, यहाँ पे भी आज चोट लग गई, लेकिन एक बार अपने आप दादी को तो वैसे ही नोट गए, दादी को तो वैसे ही गर्मी लग रही होगी। चलो दादी ये कितने रखना है बिस्तर पे, फ्रेंड मिलेंगे आपको अपनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, लाइक करो हाँ, और शेयर भी जरूर करें, शेयर भी जरूर करें करो, ज्यादा से दादी को टॉक करके आप शेयर भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्या, तो देखेंगे कि इस वीडियो को कितना ज्यादा शेयर किया जाता है। और गुड नाइट सभी को हमारी ओर से, नारिक फैमिली की ओर से, इन एडवांस मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस इन एडवांस, मैरी क्रिसमस, मैरी 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 क्रिसमस क्रिसमस किशमिश किशमिश।